हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल मूवी पिक्सर। दोस्तों, हमारे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग A50s, जिसका प्रॉब्लम है चार्जिंग नहीं हो रहा है या लोगो दिखाता है। चलो देखते हैं। देखो दोस्तों, चार्जिंग तो नहीं शो कर रहा है चार्जिंग केबल लगाने पर। दोस्तों, मेरे पास एक चार्जिंग की फ्लेक्स है दूसरी, वो लगा के देख लेते हैं। उस पर भी चार्जिंग नहीं हो रहा है दोस्तों, देख लो। अब बैटरी कनेक्टर रिमूव करके देख लिया, तब भी चार्जिंग लोगो वगैरह नहीं दिखा रहा है। दोस्तों, अब हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि कनेक्टर पे वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, 5.23 वोल्टेज आया है दोस्तों। अब मिडल स्ट्रिप पे लगा के देख लेंगे फ्लेक्स पे, उस पर भी 5.23 वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। कुछ कुछ सैमसंग के जो फ़ोन है, A50, A51, M51, M31, M30s, A50s, ऐसे फ़ोन में यही प्रॉब्लम है। जो मिडल जो कनेक्टर है उसको दबाने के बाद स्ट्रिप टाइट बैठने से चार्जिंग शो करती है। तो ये प्रॉब्लम देखो दोस्तों, हमारा सॉल्व हो गया है मिडल को दबाने के बाद से। तो हम वहाँ पर पैकिंग देंगे मिडल दोस्तों। ये बहुत ही आसान सॉल्यूशन था दोस्तों, इसको मुझे फाइंड करा मैंने, टाइम लगा, लेकिन मैंने ऐसे ही दो फ़ोन बनाए हैं A50s, जिसका मिडल से ही प्रॉब्लम था, मिडल स्ट्रिप से ही प्रॉब्लम था। दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइए, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आप कैसी वीडियो देखना चाहते हैं ये बताइए हमें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।